अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेवन इंट्रोडक्शन टू लोगो लोगो इज़ अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू ड्रॉ फिगर टाइप टेक्स्ट एंड परफॉर्म सिंपल एथमेटिक कैलकुलेशन लोगो है वो कंप्यूटर की एक सिंपल लैंग्वेज है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं तो पिक्चर फिगर ड्रॉ करने के लिए टेक्सट टाइप करने के लिए एंड सिंपल जो अरेथमेटिक कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए जस्ट एज़ यू यूज़ अ पेंसिल टू ड्रॉ एंड राइट इन योर नोटबुक आप उसमें सिर्फ पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं और नोटबुक में राइट कर सकते हैं लोगो यूजिज़ अ पेन फॉर ड्रॉइंग लोगो है वो किसके लिए यूज़ होता है तो लोगों में जो पेन है वो सिर्फ ड्रॉइंग के लिए यूज़ होती है दिस पेन लुक्स लाइक अ ट्राइंगल एंड इज़ कोल्ड अ टर्टल वो पेन किस तरह की होती है तो वो ट्राइंगल शेप की होती है और उसे हम क्या कहेंगे तो टर्टल द टर्टल इज अ स्मॉल ट्राइंगल दैट ड्रोज लाइन ऑन द लोगो स्क्रीन जो लोगो स्क्रीन है उसमें हम जो स्मॉल ट्राइंगल होता है जो लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है उसे कहते हैं टर्टल इट हैज़ अ टू पार्ट्स द टॉप पार्ट ऑफ़ द टर्टल इज नॉन एज द हेड एंड बॉटम पार्ट ऑफ द टर्टल इज नॉन एज अ टेल देखिए फिगर में आपको दिख रहा है लोगो टर्टल तो उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है टॉप पार्ट है उसे हम कहेंगे हेड और सब जो बॉटम पार्ट है उसे हम कहेंगे टेल और लोगो टर्टल कैन ड्रो ओनली वैन यू गिव इट अ कमांड लोगो टर्टल है वो किस तरह से ड्रो होता है तो जब हम कोई कमांड देते हैं तो वो कमांड को फॉलो करके वो ड्रॉ होता है नोट द टर्टल अंडरस्टैंड लोगो कमांड ओनली जो टर्टल है वो सिर्फ कमांड को ही ए, समझता है कमांड मीन्स एन ऑर्डर और एन इंस्ट्रक्शन कमांड क्या है तो एक प्रकार का एक ऑर्डर है या फिर जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो तो लोगो टर्टल कैरीज आउट और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन और कमांड टाइप बाय यू लोगो टर्टल है वो किस तरह से कैरी होता है तो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है तो जब हम कमांड टाइप करते हैं जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको तभी वो टर्टल है वो एग्जीक्यूट होता है तो कमांड इन लोगो आर नॉन एज अ प्रीमेटि लोगों में जो कमांड है लोगों में तो वो कमांड को हम क्या कहेंगे प्रीमेटिवस अब देखिए स्टार्टिंग एम एस डब्ल्यू लोगो तो एम एस डब्ल्यू लोगो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है एम एस लोगो एम एस डब्ल्यू लोगो इज़ अ वेरियस ऑफ लोगो फॉर यूज़ विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोस माइक्रोसॉफ्ट विंडो में उसका वर्जन आता है द स्टेप्स टू स्टार्ट एम एस डब्ल्यू लोगो आर फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो तो देखिए फिगर में सेवन पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट टू में तो पहले स्टार्ट बटन उसमें ऑल प्रोग्राम्स उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो और उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो है वो हमें खोलना है ताकि हमारी स्क्रीन है वो खुल जाएगी द एम एस डब्ल्यू लोगो स्क्रीन विल बी डिस्प्ले फ़िगर सेवन पॉइंट थ्री में देखिए ये इस तरह की फिगर है वो हमें दिखाई देगी द एम एस डब्ल्यू लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन ये दो दो सेक्शन में डिवाइड हो डिवाइड होती है फर्स्ट मेन स्क्रीन एंड द सेकेंड है कमांडर विंडो जो फर्स्ट विंडो है वो मेन स्क्रीन है और जो दूसरा छोटा पार्ट है वो कमांडर कमांडर विंडो है जहाँ पे हम कमांड लिख सकते हैं तो ये फिगर देखिए मेन मेन स्क्रीन है रिकॉल लिस्ट बॉक्स है कंट्रोल बटन है कमांड इनपुट बॉक्स है और ये जो है कमांडर विंडो है अब देखिए मेन स्क्रीन तो मेन स्क्रीन इज द एरिया वेर पिक्चर आर ड्रो मेन स्क्रीन वो है जहाँ पे वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पे पिक्चर है वो ड्रॉ होता है तो लोगो टर्टल इज आल्सो डिस्प्ले ऑन स्क्रीन लोगो टर्टल है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होता है तो लोगो टर्टल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन और कमांड टाइप बाय यू हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारे द्वारा जो कमांड लिखा जाता है वो वो टर्टल है वो एग्जीक्यूट करता है अब देखिए कमांडर विंडो द कमांड द कमांडर विंडो इज द एरिया वेर कमांड आर टाइप एंड सम आर आल्सो एग्जीक्यूटेड कमांडर विंडो में क्या होता है तो कमांडर विंडो में हम कमांड टाइप कर सकते हैं और हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं द कमांडर विंडो इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन द इनपुट बॉक्स एंड द रिकॉल लिस्ट बॉक्स कमांडर विंडो है वो भी दो सेक्शन में डिवाइड होता है तो फर्स्ट है इनपुट बॉक्स एंड सेकंड है रिकॉल लिस्ट बॉक्स फर्स्ट देखिए इनपुट बॉक्स द इनपुट बॉक्स इज द एरिया वेर यू टाइप ऑल ऑल योर कमांड इनपुट बॉक्स एरिया में आप अपना जो कमांड है वो लिख सकते हैं द कमांड्स विल बी कैरिड आउट ओनली इफ यू प्रेस द एंटर की और क्लिक द एग्जीक्यूट बटन द कमांड है वो किस तरह से कैरिड आउट होता है तो एंटर की प्रेस करते हैं या फिर आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इनपुट वो टर्टल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अब देखिए रिकॉल लिस्ट बॉक्स तो रिकॉल लिस्ट बॉक्स आर किब्स अ रिकॉर्ड ऑफ़ द इंस्ट्रक्शन यू टाइप इन द इनपुट बॉक्स एंड यू विल ऑल्सो सी द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ योर कमांड्स हीयर यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉल लिस्ट बॉक्स में तो वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट uh, बॉक्स में हम कमांड टाइप करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो कमांड का वो हम देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ द लिस्ट ऑफ़ कमांड्स गोज आउट ऑफ व्यू यू कैन क्लिक द स्क्रॉल बार टू व्यू द कमांड यहाँ पे जो कमांड की लिस्ट है वो आपको व्यू करे वो व्यू दिखा उसमें दिखाई देगी यू कैन क्लिक स्क्रोल बार टू व्यू टू कमांड जब आप स्क्रोल बार करेंगे तो यहाँ पे जो आ, कमांड है वो आपको दिखाई देगा